नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज JEE एडवांस्ड का रिजल्ट आया और इस रिजल्ट की कई खास बातें रहीं। जी हां, जहां आप जानते हैं कि अपने सपने को पूरा करने के लिए कई तरह के छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, वहां पर रवि जैसे भी कुछ ऐसे छात्र शामिल होते हैं जो कई मामलों में लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं। सबसे पहले रवि, आपका स्वागत है लाइव सिटीज में और आपको लाइव सिटीज की तरफ से बहुत सारी बधाई। थैंक यू। और आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका रैंक कितना आया है? मेरा जनरल रैंक है 9100 के करीब है और OBC रैंक है वही 1700 के आसपास। रवि, हम जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि आपके पिता काफ़ी संघर्ष से आपको यहाँ तक पहुँचाए हैं और उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है कि उनका बेटा इंजीनियर बने। आप पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, आपने IIT का रास्ता जो है वह चुन लिया है और आप उसके कह सकते हैं कि उसके प्रवेश द्वार पे खड़े हो चुके हैं, तो कैसा फील कर रहा है आप ऐसे परिवार से आने के बावजूद आप अब IIT की तरफ आगे बढ़ गए? अच्छा लग रहा है क्योंकि पापा का ये सपना था कि मैं आगे बढ़ूँ और मतलब वो जो इतना दिक्कत झेले अपने लाइफ में तो उनको कम करूँ थोड़ा सा, और वही बस वो चाहते थे कि हम अच्छा करें और ठीक है, तो ठीक ठाक ही है, मेरा रैंक अच्छा है, पापा खुश भी होंगे, हम भी खुश हैं। आपको बता दें कि रवि के पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं और उसी हालात में वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे और आज उनका बेटा उनका सपना पूरा करने के कगार पे है। रवि, हम जान सकते हैं कि आप कहाँ के हैं? मैं जमुई का रहने वाला हूँ। जमुई के? आपके पिताजी कहाँ रहते? जमुई में ही ऑटो चलाते हैं? नहीं, मेरे फादर कहीं बाहर दूसरे स्टेट में ऑटो चलाते हैं। आपकी माँ क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं। आप कितने भाई बहन हैं? मेरे दो और भाई हैं। दो और भाई हैं। आप ये बताइए कि आपने जमुई के ग्रामीण क्षेत्र से आप आते होंगे, वहाँ से आपने अभियानंद सुपर 30 में आकर इंजीनियरिंग के IIT की तैयारी शुरू की और आज आपने वो परीक्षा पास कर ली है, कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब कि हम तैयारी करना संभव नहीं था मेरे लिए, ये तो अभियान सुपर 30 ही है जो हमको दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप IIT का तैयारी कर सकें। सुपर 30 के अलावा अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सुपर 30 के अलावा मेरे मम्मी पापा जो हमेशा मतलब बोलते रहे, मार्क्स टेस्ट में ख़राब भी आता था उसके बाद भी बोलते थे नहीं कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करते रहो, सब अच्छा होगा। यही से आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आपकी तरह काफ़ी अभावों में जिए हैं और अभावों में जीकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जिस तरह का ये है संस्थान है, उस तरह के संस्थान का मतलब संस्थान और होना चाहिए, सरकार को भी इस तरह के चीज़ों के बारे में देखना चाहिए कि आखिर इस तरह के बच्चे उठ के ऊपर आए। आप आने वाले समय में कौन सा, मतलब आप जैसे कि परीक्षा पास करेंगे तो आप कौन सा ब्रांच चुनने वाले हैं? देखिए, रैंक तो उतना अच्छा है नहीं कि हम उस तरह का हो पाए, लेकिन फिर भी मैकेनिकल तक मिल जाए कहीं तो हम ले लेंगे। आपका सपना इंजीनियरिंग करने का ही है, इंजीनियर ही बनने का है या आगे चलकर बिहारी का जो एक सपना होता है कि UPSC तक जाए, तो क्या आप भी UPSC करना चाहेंगे? मेरा भी सपना है, मैं भी UPSC करूँ। UPSC जाने का सपना है। आप ये बताएं कि आपका सफलता का सूत्र क्या था, आप जो सक्सेस किए उसका फॉर्मूला क्या था? बस और बस हार्डवर्क। हार्डवर्क। आप अपने प्रेरणा स्रोत किन्हें मानते हैं? मम्मी को। अच्छा, मम्मी को। और चलिए, तो ये थे रवि जो कि अपनी मम्मी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं और अपनी इस सफलता के लिए अपने परिवार के सदस्यों का और इस संस्था अभियानंद सुपर 30 को वो इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। हम आपको IIT से जुड़े ऐसे कई लोगों के बारे में हमने आपको बताया है जिसकी भी वीडियोज हमारे YouTube पे मौजूद है, आप उन्हें देख सकते हैं। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं। धन्यवाद।